मित्रोत्सवों का सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर विगत 15 नवंबर को उनकी जन्म जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो देश के विभिन्न 60 जिलों में यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस राज्य के 9 जिलों में भी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है और इस भाव से संभाला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से हर काम को करते हैं और किसी भी काम में कहीं पर दूर दूर तक कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ती है। यह यात्रा 2 चरणों में प्रारंभ होने वाली है। एक यात्रा 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और दूसरी यात्रा 3 दिसंबर से देश अंतर्गत आने वाले 251,000 पंचायत के विभिन्न गांवों से गुजरने वाली है और इस यात्रा के निमित्त झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश संयोजक का भी हम लोगों ने मनोनयन करने का काम किया है, जो जमशेदपुर से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नंद जी प्रसाद जी हैं और विभिन्न जिलों, विभिन्न मंडलों में इस राज्य में आने वाले विभिन्न स्तरों पर पंचायत स्तर तक हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को लगाया है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत 2047 तक देखने का जो संकल्प है, सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग उनके साथ, लगन के साथ, जिम्मेवारी के साथ अपने कार्य को करने का काम करेंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इन 9.5 वर्षों में अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी समाज के लिए करने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि गांव के लोग सीधे साधे भोले होते हैं, इन योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान में जाने के बावजूद भी आम जन उठा नहीं पा रहा है। इस भाव से इस प्रकार की यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति को बतला पाए कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, तो देश के प्रत्येक गरीब के लिए विचार करने का काम किया है, काम करने का काम किया है। प्रयास से हम सभी लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम सभी लोग आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करने वाले हैं कि कम से कम इस यात्रा में 3 दिन झारखंड को देने का काम करें। साथ ही हमारे सांसद, हमारे विधायक जो जिस क्षेत्र में है, उन सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से समय देकर के जनता के बीच जाकर के जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी के द्वारा जो कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, उस यात्रा को हम बेहतर तरीके से कर सके, इस बात से हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय बाबूलाल गांधी जी के नेतृत्व में सभी स्तर के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इस कार्य में लगने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब केंद्र सरकार इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं लेकिन जमीन में उतर नहीं पाती, इसके अनेकों उदाहरण जमीन उतरती भी है तो ईमानदारी पूर्वक नहीं उतरती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उर्मांझी प्रखंड का
कुछ गांव है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उस सड़क का शिलान्यास किए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन उस सड़क का काम अभी तक भी प्रारंभ नहीं हो पाया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। उस प्रकार के काम शिलान्यास बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार का ऐसे कार्यों में दिलचस्पी नहीं है। उसी प्रकार आप सभी जानते हैं कि राज्य की सरकार काम करने वाली सरकार नहीं, कमाने वाली सरकार है। यह नहीं चाहती कि काम करके हम जनता को जनता का हम कल्याण करें, यह चाहती है कि बिना काम किए हुए हम कमाने का काम करें और अपने तिजोरी को अपने पॉकेट को भरने का काम करें, अपने अलमीरा को बजट में भरने का काम करें। अभी नल जल योजना के माध्यम से विभिन्न गांवों में जो जल पहुंचाना था उसका में भी झारखंड काफी पिछड़ी है, काफी पीछे है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आम आदमी को साफ जल मिले, साफ पानी मिले, लेकिन राज्य की सरकार बिल्कुल बेसुध है। कोई चिंता नहीं है कितनी गहराई में पाइप लग रहा है, कौन सा नल लग रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है।